कम करने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग एरोबिक्स करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, बट वेट लॉस करना कोई आसान बात नहीं जिसे हम लोग चुटकियों में कर सके। तो आज इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसे योगा बताऊंगी जो कि आप लोग के वेट को लूज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, और साथ ही मैं आप लोग को एक बहुत ही सिंपल सिंपल से कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो कि अगर आप योगा करने से पहले लेते हैं तो आपको योगा करते समय बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होने देंगे और आपको स्टेमिना प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही में आपके फैट को कट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, इवन आपके फैट को कट करने की स्पीड को जस्ट डबल करने वाले, क्योंकि अगर ड्रिंक और योगा साथ में मिल जाएंगे तो आपका फैट कट होना तय है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि योगा करना हमारे फिजिकली मेंटली हेल्थ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, खास तौर पर हमारे वेट को लूज करने के लिए। अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग फिजिकली तो परेशान रहते हैं, बट जब हम लोग अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोग मेंटली भी परेशान रहते हैं, क्योंकि अपने आप को अनफिट देख के कोई हैप्पी नहीं रहता है। ये हमारे लिए मेंटल स्ट्रेस का कहीं ना कहीं कारण जरूर बनता है। तो योगा करके हम लोग अपने मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस दोनों को कम कर सकते हैं और साथ ही में अपने आप को डिजीज फ्री रख सकते हैं। अपनी इस वीडियो में आज आप लोगों को कुछ योगासन बताऊंगी जो कि आपको वेट लूज करने में और आपको मेंटली स्टेबल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। तो सबसे पहले अपनी इस वीडियो में आप लोग के साथ में योगा पोजेस शेयर करूंगी, उसके बाद में आपको कुछ ऐसे ड्रिंक्स बताऊंगी जो कि अगर आप लोग योगा करने से पहले लेंगे तो आपको फैट को कट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ऐसे योगासन जो कि हमारे फैट को कट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, साथ ही में हमारी बॉडी को टोनिंग प्रोवाइड करते हैं। वेट लॉस करने के लिए जो पहला आसन है योगा है वो है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में जो घुटने होते हैं, नीज होती है, उनमें जो पीछे की नस होती है और जो थाइज होती है और जो पैर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जब थाइज आगे की ओर झुकती हैं तो बॉडी का जितना भी वेट होता है वो सब थाइज पर आ जाता है, जिससे कि स्टमक पर भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स पड़ता है और इससे हमारी जो आंतरिक शक्ति होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और जब आंतरिक शक्ति बढ़ती है मीन्स इनर पावर इंक्रीज होती है तो इससे हम काफ़ी लंबे टाइम तक वर्क कर पाते हैं, मीन्स हमारी वर्क कैपेसिटी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट नंबर आता है भुजंगासन मीन्स कोबरा पोज। इस पोज में जो हमारी बॉडी होती है उसमें चेस्ट और जो बैक साइड होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है, और साथ ही में इसमें जो हम लोग लंबी सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट है उसको ऊपर की ओर हम लोग उठाते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि हमारे ब्लड को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और जब अच्छे से सप्लाई होती है तो बॉडी के सारे ही पार्ट्स में वो ब्लड अच्छे से सप्लाई होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, जिससे कि मोटापा कम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है धनुरासन मीन्स एरो पोज। ये एक आधुनिक आसन है जो ना कि मोटापा कम करता है बल्कि लेग, शोल्डर और हैंड्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और साथ ही में ये पेट पर बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है इस पोज को करने पर, और जब इससे पेट पर खिंचाव महसूस होता है तो हमारा जो पेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाता है, और पेट लूज़ होने से हमारा पेट कम हो जाता है और जो पेट पर फैट जमा होता है स्टमक पर वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है त्रिकोणासन मीन्स एंगल पोज। पेट के आसपास काफ़ी ज़्यादा फैट जमा हो जाता है जिसके लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बट एक उम्र के बाद में शरीर बढ़ना बंद हो जाता है और पेट के आसपास काफ़ी ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। त्रिकोणासन एरो पोज करने से ये जो अगल बगल फैट जमा होता है हमारे स्टमक के उसे कम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। हालांकि इस आसन से बहुत ज़्यादा कैलोरीज तो कम नहीं होती है, बट जो कमर आपकी इंचेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है उसे कम करना बहुत आसान होता है इस पोज को करने से। इवन अगर आप अगली बार पैंट ढीली हो जाए और आपको बेल्ट पहननी पड़े तो इससे आप लोग शॉक्ड मत होइएगा, क्योंकि इस आसन से आपके इंचेस लॉस बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से होते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है नौकासन मीन्स बोट योगा पोज। इस पोज के बहुत सारे फायदे होते हैं, ये हमारे पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है, यहाँ तक कि अगर आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको बोट पोज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही में आपके जो हाथों पैरों के जो मसल्स हैं उसको भी टोनिंग प्रोवाइड करता है, और साथ में पेट की चर्बी तो कम करता ही है। इवन
आपकी डाइजेशन को सुधारने के साथ साथ लीवर, पेनक्रियास और लंग्स को भी काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसको, और साथ ही में किडनी, थायराइड या प्रोस्टेट ग्रंथियों के लिए भी इस योगा को करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसलिए अगर आप स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो इस योग को करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर योगा के अपने फ़ायदे होते हैं, बट नौकासन बहुत सारे पोज में से बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि वेट लॉस का बेस है। देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा आसान है इन योगा पोजेस को करना। बस आपको मॉर्निंग में उठ करके आपको ये योगा पोजेस करने हैं, और उसके बाद में आप देखिएगा कि आप कितनी ज़्यादा फिट फील करते हैं। इस योगा में मैंने आपको उस योगा को करने के तरीके के साथ में उसके फ़ायदे भी बताए, और उन फ़ायदों को जानने के बाद में आप इन योगा पोजेस को ज़रूर करेंगे। अब बारी आती है इस चीज़ को जानने की कि आखिर हम लोग कौन सी ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जो कि हमारे फैट को कट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को उन ड्रिंक्स के नाम ही बताऊंगी, और उन जो जितनी भी ड्रिंक्स हैं उनके जो लिंक्स हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे आपको उन सभी ड्रिंक्स के लिंक और वीडियोस इजीली मिल जाएंगे जो कि आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसको जरूर विजिट कीजिए और देखिए कि उन्हें बनाना कितना आसान है। जो पहली ड्रिंक आती है वो है सिनेमन टी, जो कि हमारे वेट को लूज करने में, डायबिटीज को कंट्रोल करने में, साथ ही में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। साथ ही में है बेटल लीफ टी, आपके पान के पत्ते की चाय, और जो नंबर पे आता है आपके तेज पत्ते की चाय, या आप लोग बांस के पत्ते की चाय भी पी सकते हैं, या आप लोग गुड़हल के फूल की चाय या रोज टी गुलाब की चाय पी सकते हैं। ये सभी हमारे फैट को कट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इन टी को लेने के बाद में आपको अपने योगा को कंटिन्यू करना है, ताकि आपका फैट कट करना डबल स्पीड में शुरू हो जाए, और फिर आप बहुत जल्द दुबले हो सके, इस न्यू ईयर में अपने आप को बहुत जल्दी फिट एंड फाइन कर सके। साथ ही में न्यू ईयर में अपने आप को जल्दी फिट एंड फाइन करने के लिए आप सुधा डाइट क्लिनिक का न्यू ईयर ऑफर भी ले सकते हैं, जो कि आपको फिट करने, हेल्दी करने में नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मेरी ये वीडियो योगा पोजेस के साथ में ड्रिंक्स को लेने की आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल।